अर्थ प्रकाश देख रहे हैं तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि हम इस वक्त पंचकुला में नगर निगम चुनाव का जोर पूरी तरह से पकड़ चुका है ये चुनाव, और आज हम सुबह से ही ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है जो अपनी दर्शकों को दिखा रहे हैं। ग्राउंड का मतलब बिल्कुल जीरो लेवल रिपोर्ट है, और आज हम अपन बुडनपुर है यहाँ पर पंचकुला में, और यहाँ पर आपने हजूम देखा होगा जनता के किस तरह से ये लोग खड़े हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, आइए। क्या नाम है जी आपका? मैं तरसेम सैनी, गांव तरसेम सैनी, नंबरदार, गांव बुडनपुर। जी नंबरदार जी, पहले आप हमसे आपसे एक बार प्रश्न पूछेंगे कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन से काम हुए हैं, कौन से काम रह गए हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं अपने प्रेस के भाइयों को और लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, और उसके बाद आगे काम की बात। काम तो ऐसा है जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले हमारा जो बुडनपुर है, समस्याओं की मतलब भरमार लगी हुई थी, इतनी समस्याएं थी, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर जी, स्पीकर अध्यक्ष विधानसभा, उन्होंने जो है गिन गिन कर, चुन चुन कर जो है हमारी जो है गाँव की समस्याओं को हल करवाया है। बाकी देखो, एक दो काम तो रह ही जाता है, कोई ना कोई पीछे छूट जाता है। वो कौन कौन से मेन काम आप दो बताओगे जो यहाँ पर हुए हैं? ऐसा है जी, हमारे गांव में यहाँ पे पिछले गांव में जो नीचे का बुडनपुर है जो, वहाँ पर सीवर लाइन की बहुत बदतर हालत थी। उन्होंने पहले ही प्लान में सीवर लाइन की समस्या को हल करवा दिया था, और जो सड़क थी बहुत ही बुरा था उसका, सड़क उन्होंने बिल्कुल आपके हिसाब से सीवरेज पड़ा यहाँ पर और सड़कों का काम हुआ है जी। ठीक है जी, अब आइए आइए, आपका नाम क्या है जी? रवि जी। रवि जी, क्या लगता है आपको? सबसे पहले ये बताइए, निष्पक्ष होकर ये प्लेटफार्म अर्थ प्रकाश का है, तो आप अपनी दिल की बात यहाँ पर रखिए निधड़क होकर। ठीक है, आप ये बताइए क्या क्या आपको समस्याएं हैं, पहले ये बताइए इस गाँव में। नहीं नहीं, समस्या तो कुल मिला के नहीं है, नहीं आती है प्रशासन के सामने, नहीं आती है। हमने एक बार बोला भी है तो हमारी समस्याएं, हमने गुप्ता जी को भी बोला, हमने उन्होंने तकरीबन हमारी समस्याएं सुनी है, सारे काम मतलब उन्होंने करके दिए, ऐसी बात नहीं कि हम। तो वो क्या कमी रह गई है? कुल मिला के छोटी मोटी ही है, कोई ये नहीं है कि हम की बड़ा इशू खड़े कि उन्होंने हमारे लिए कुछ काम नहीं करा है। जब भी हम गए तो, यानी आप ये कह रहे हो यहाँ पर विकास दिख रहा है? विकास हुआ है, लेकिन हम आपसे, जैसे आप सबको पता है कि हमेशा ही चुनाव आयोग कॉलोनियों में सतर्क रहते हैं जी जी जी, और चुनाव आयोग की जो वोटिंग परसेंटेज होती है वो यहीं से होकर जाती है, क्योंकि ये लोग वोटिंग डालते हैं। और हम भी कहेंगे आपको कि आप जो अपना, आपका जो अधिकार है संविधान ने आपको दिया, वोट कास्ट जरूर करना आप अपनी। जी जी, नहीं नहीं, हम तो सबसे ही अपील करेंगे जी, ये तो एक अधिकार है का आम आदमी के पास, वोट से ही वो अपनी जीत बना सकता है जी, हर एक आदमी। आप कितनी देर से रह रहे हो यहाँ पर? रवि जी, बुडनपुर में मुझे 12-13 साल हो गए, इससे पहले हम राजीव कॉलोनी में है, कुछ 25-30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। तो आप रह कहाँ रहे हो? राजीव कॉलोनी में? नहीं, मैं बुडनपुर में ही रहता हूँ। बुडनपुर में जी, जी। हाँ जी, आइए आप आइए। हाँ जी, आइए, मास्क उतार दीजिए आप। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। क्या काम करते हो आप? मेरे गांव में शॉप है, किराने का दुकान है मेरी। कितनी देर से इस गांव में रह रहे हो आप? हमें 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, तो आप ये बताइए राजकुमार जी कि यहाँ पर आपने बहुत MC देखे होंगे, आए गए ये चक्कर चलता रहता है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा काम है जो आपको लगता है कि जो होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ? हम वैसे तो अभी तक सारे काम पूरे हुए हैं, चाहे धीरे धीरे करके हो रहे हैं काम, पर जो हम इस पार्क को देते हैं, हमारा जो सबसे मेन लक्ष्य है। राहुल जी, ये पार्क की तरफ पिक्चर दिखाना, इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि पार्क, यहाँ पर बच्चों का खेलने का अधिकार, जैसे अमीर बच्चों का, कोठी वाले बच्चों का पार्क का होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। ये बहुत इन्होंने मुद्दा अच्छा उठाया इन्होंने पार्क का। राहुल जी पार्क की तरफ, हाँ तो हाँ, ये घुमा रहे हैं मुद्दा कि पार्क में झूले, आपके पार्क में झूले भी नहीं है यहाँ पर, हाँ झूले भी होने चाहिए बच्चों के लिए। हाँ, तो आपने इस बारे में, भाई रोक दो भाई जी, आपने उस बारे में बात की थी पहले कभी किसी से? पहले जी हमने MC भी गए, हुड्डा के पास भी गए, सबके पास गए, हमारे प्रधान जी है जो तरसेम जी, ये सुनवाई नहीं हुई। हम तो ये चाहते हैं जी, कोई भी MC बने, चाहे वो BJP का बने, चाहे बने कांग्रेस का, हमारा तो सबसे पहला काम यही है, ये पार्क सुधरना चाहिए, ये अड्डा है नशेड़ियों का।
यहाँ पे सारे आते हैं सारे दिन। हाँ, पर हम तो ये कहते हैं हमारे बच्चे कहीं सेक्टर में कहाँ घूमने जाएंगे, हम कहते हैं पार्क हमारा डेढ़ पर हमारी तो जीवन ही वैसे ही बदल जाए। हाँ जी लंबरदार जी, क्या आप इस मुद्दे से सहमत हो? बिल्कुल जी, ऐसा है भाई साहब, मैंने विश्वास दिलाया है अपने गाँव की जनता को कि जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इसका फर्क पड़ता है अगर प्रदेश में सरकार है, अगर उसी सरकार का सरकार की बातें मत कीजिए। आप ये बताइए कि जब ये इलेक्शन में जीतेंगे, हो सकता है आपका कैंडिडेट जीत जाए, हो सकता है कि इलेक्शन तो देखो फ्यूचर के अंदर है, 27 तारीख को जनता ने कहां मन बनाना है। कोई भी अगर जीतेगा तो आप लंबरदार होने के नाते, क्योंकि आप गाँव के आप मोजिस व्यक्ति हो, तो आप ये मुद्दा उठाओगे पार्क का कि यहाँ भी झूले लगे? 100% जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने गाँव की जनता को, 101% मैं इसका सबसे पहले एमसी बनेगा। सबसे पहले काम इस गांव की ग्रीन बेल्ट का होगा। दूसरा काम है जो शमशान घाट का मैंने सोच रखा है, वो मैंने दूसरे नंबर पहले वैसे प्राथमिकता शमशान घाट की है। दोनों ही काम प्योरिटी पे प्रायोरिटी पे होंगे। लंबरदार जी, हम जब जीतने के बाद फिर आएंगे यहाँ पर देखने आएंगे पार्क को, उस समय क्या इस दशा से अच्छी दशा होगी पार्क की? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी रवि जी, आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, क्या आप लंबरदार जी के इस मुद्दे से सहमत हो? बिल्कुल सहमत है जी, बिल्कुल सहमत है। जो जो इन्होंने विचार रखे हम दोनों से ही सहमत है। हमें काफ़ी दिक्कतें आती है यहाँ पे, सारा दिन कभी कोई डंगर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, सारा दिन कोई जुआ दारू सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। कोई साधन लोगों ने मतलब पार्क की जगह ही अड्डा बना रखा है। बुरे शाह नाम है पार्क के लिए, मैं भी सोचता हूँ कैमरे में ये जी, मैं तो खुद चाह रहा हूँ ये पार्क सही हो जाए, बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। देखो ये सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे, इनके भी भविष्य का सवाल है, ये भी अच्छी जगह खेलना चाहते हैं। और हमें अच्छा लगा इस गांव के एक जो एक भाईचारे का माहौल है, और हमें उम्मीद है कि ये इलेक्शन के बाद जैसे लंबरदार जी ने कहा, रवि ने कहा, हम फिर आएंगे इसी जगह पर, लेकिन उस वक्त नज़ारा क्या होगा ये इन्हीं को पता है। जहाँ जो जीतने का कैंडिडेट वो किस दृष्टि से किस प्रायोरिटी से ये काम करेगा। अच्छा ये बताइए मेयर के बारे में, आप मेयर एक शब्द में जी। मेयर साहब तो देखो अलग अलग पार्टी से खड़े ही है सारे, जैसे कि हमारी जो दिल की तमन्ना है आलू वालिया जी आप बोलिए। ऐसा है अपना भाई साहब, दो शब्दों में तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जी कुलभूषण। हाँ जी आप जी, दोनों में जो मर्जी बजे हम सहमत हैं। सहमत आप भी जी, कोई जी बन जाए। चलो चलो ठीक है, इन्होंने एक, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे आप वोट कास्ट जरूर करना जी, जी। और अपनी वोट डलवाने के बाद और लोगों को भी उस दिन कहना। हाँ बेटे आप तू बेटा, हाँ कौन मेयर कौन बने? कांग्रेस की तरफ से बनेगी मेयर, तो कोई भी बने। चलो जो जौन सी मर्जी पार्टी का बने, लेकिन ये सब उम्मीद रखते हैं, ये कहते हैं कि मेयर हमारा काम हो, ये कह रहे हैं कि मेयर जौन सी मर्जी पार्टी का बने, लेकिन हमारे काम प्राथमिकता के आधार पर हो, और ये इनका हक भी है लोकतंत्र में। भाई साहब आइए, आप आइए। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? सतविंदर सिंह। आप पीछे खड़े थे पहले? हाँ जी। हाँ सतविंदर सिंह जी, आप बताइए दो शब्द मेयर के लिए, दिल की बात आना बिल्कुल निर्धारक होकर। बीजेपी से जी कुलभूषण गोयल। कुलभूषण गोयल, इन्होंने देखो आपने देखा कि मेयर के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन ये भविष्य के गर्व में है, लेकिन हर इंसान की एक अपनी आस्था होती है पार्टी के प्रति, और हम ये भी चाहते हैं कि वो आस्था इनकी टूटे। हम इनको, हम सब मीडिया न्यूट्रल होने के कारण इनको शुभकामनाएं भी देता है, लेकिन हम अपील करते हैं कि अपनी वोट डलाकर और लोगों को भी वोट जरूर डालना, ताकि जो चुनाव में आपको वोटिंग का अधिकार वो मिले। और जो इन्होंने पार्क का मुद्दा उठाया है, और हम ये प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन होने के बाद प्रायोरिटी के आधार पर डाला है जी। हाँ जी, पार्क के बारे में तो फेसबुक पे कई बार डाला है, पर हमारी सुनवाई नहीं होती जी कहीं भी। इन्होंने ये कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन अब शायद इनको आशा की उम्मीद है, आशा की किरण है। और ये भी कह रहे हैं कि जो सी मर्जी पार्टी का उम्मीदवार हमारा जीतेगा, लेकिन हमारी ये प्रायोरिटी होगी कि वो यहाँ पर पार्क को अच्छा बनाएगा। ये ग्राउंड लेवल रिपोर्ट थी गाँव बुढ़नपुर की। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, और मेरे साथ मेरी टीम के अवनी और राहुल तिवारी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।